तो बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक होने जा रही है शाम 4 बजे, 2 दिवसीय बैठक है जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। उधर बीजेपी के दफ्तर में सरकार का दरबार, मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सुनी जनता की समस्याएं। बीजेपी दफ्तर में सूर्य प्रताप शाही ने लगाया जनता दरबार। तो बीजेपी दफ्तर में सरकार का दरबार लगा। आपको बता दें मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जनता की इस दरबार में समस्याएं सुनी, जनता की दिक्कतों को जाना। तो बीजेपी दफ्तर में सूर्य प्रताप शाही ने लगाया जनता दरबार। आपको बता दें योगी सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो लगातार जनता दरबार लगा रहे हैं ताकि लोगों की समस्याओं को सुना जा सके, और इस कड़ी में मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लगाया जनता दरबार। शाही बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे हुए हैं, सुनवाई करने के लिए वहां पहुंचे हैं पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ। आम जो जनता के लोग हैं वो भी यहां पे पहुंच रहे हैं। सर पहला दिन है, इस पहल को कैसे देखते हैं आप? ये बहुत अच्छी पहल है और कम से कम सुदूर जनपदों और ग्रामीण इलाकों से आई हुई जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो लखनऊ राजधानी में अपनी समस्याओं के समाधान की अपेक्षा से आते हैं, हम कम से कम उनको सुन करके और उनके कठिनाइयों के समाधान की दिशा में हम प्रयास करेंगे और उसकी व्यवस्था बनाएंगे। इसके लिए यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने और हमारे मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने मिलकर के बनाई है और उसकी शुरुआत हम लोगों ने किया है और यह एक अच्छी पहल है। आप निकाय चुनाव की तैयारी में पार्टी जुटी है, आप निकाय चुनाव की तैयारी में जा रहे हैं, तो बूथ लेवल पे और ज्यादा मजबूती रहे उसके लिए सीधा संवाद कार्यकर्ता के साथ बेहद जरूरी है, तो उसको देखते हुए क्या इस संगठन ने उसके विभिन्न कार्यक्रम बनाए हुए हैं। अभी प्रशिक्षण के कार्यक्रम उसके लिए चलाए हैं सभी क्षेत्रों के भीतर, हम उसको और नीचे की ओर उतारने वाले हैं और सेक्टरों तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के होने वाले हैं और विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर उनके बीच में जाने वाले हैं। संगठन और सरकार दोनों एक पहिए के धुरी हैं, एक धुरी के दो पहिए हैं और इसलिए दोनों के बीच में सामंजस्य रहेगा। हम सरकार में आए हैं संगठन के पहल के आधार पर और सरकार को हम जितना बेहतर चलाएंगे, जितना लोगों को ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, हम जितनी अच्छी सरल व्यवस्था को बना करके जनता का समाधान करेंगे तो हम जनता की कसौटी पर खड़े उतरेंगे और उससे हमारे संगठन को भी फायदा होगा। तो इनका कहना है कि सरकार और संगठन एक ही धुरी के दो पहिए हैं और उनमें सामंजस्य बनाने के लिए जो पहल है बेहद सकारात्मक है, इससे पार्टी को और मजबूती मिलेगी। लखनऊ से कैमरामैन दीपक श्रीवास्तव के साथ हरेंद्र चौधरी, समाचार प्लस।